हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। बच्चा, दिस इज़ योर प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स। लर्न दिस क्वेश्चन आंसर सेट होम फॉर योर टेस्ट। दिस इज चैप्टर नंबर 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर। डिफाइन एटम। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम। सारे मैटर जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। वैलेंसी क्या होते हैं? इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स डेट में कम्बाइंड विथ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स होते हैं जो कम्बाइन होते हैं एटम्स ऑफ द एलिमेंट के साथ। मॉलिक्यूल्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड डेट हैज़ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर जिनके इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होती है। जो एटम होता है उनका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होती है। नेम एन एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन न्यूरॉन। एलिमेंट जो न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता है, ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन्स कंटेन नहीं करता? हाइड्रोजन। सिर्फ एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन कंसिडर कंटेन नहीं करता है। इफ़ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? अगर कोई एटम कंटेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन, क्या वो कोई चार्ज कैरी करेगा? इफ़ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, इट विल बी न्यूट्रल इन चार्ज। तो वो न्यूट्रल होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। नेम दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुज चार्ज। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसके चार्ज -1, +1 एंड 0.14 हो। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो 0.14 होते हैं। इन द गिवन फिगर नेम दी शेल डिनोटेड बाय ए बी सी, विच ए शेल हैज लीस्ट नंबर। यह हमने आपको देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट नंबर क्या है? ए इज फॉर के शेल, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ठीक है। ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू एल, सी इक्वल्स टू एम, के एल एम शेल, ठीक है। तो ए इज फॉर के शेल और फर्स्ट शेल बोलते हैं, बी इज फॉर एल शेल जिसको हम सेकेंड शेल बोल रहे हैं, ये सेकेंड शेल है, सी इज फॉर एम शेल जिसको हम थर्ड शेल बोल रहे हैं। शेल के हैज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो के शेल है उसके पास सबसे ज़्यादा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एक्स क्या है? ये जो अंदर का होता है इसको हमने एक्स बोला। ये क्या है? न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बोहर मॉडल ऑफ एन एटम है, ठीक है। ये फिगर कौन सा है? बोहर मॉडल ऑफ एन एटम है। नेम ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। गिव द सिंबल्स एंड चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल्स। देखो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं एटम के अंदर? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। पहले हमने ये पढ़ा था कि एटम क्या है? इंडिविजिबल होता है। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, सब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पी, चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन एन, चार्ज कोई चार्ज नहीं होता है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? अगर एक एटम है जिसका प्रोटॉन, उसको हमने बोल दिया कि प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन भी 4 है और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 5 और इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वो क्या एटॉमिक नंबर होगा और क्या मास नंबर होगा? हमको पता है कि एटॉमिक नंबर फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही एटॉमिक नंबर होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 4 ही होगा। मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 4 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5, तो 4 + 5 क्या हो गया? 9। तो मास नंबर क्या हो गया? 9। समझ आ गया बच्चा? एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम 11 एंड 23, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय दिस स्टेटमेंट? अगर एटॉमिक नंबर 11 है एंड मास नंबर 23 है सोडियम में, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है?
एटॉमिक नंबर 11 ऑफ सोडियम कन्वे इन्फॉर्मेशन दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज द सेम। अगर एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम के अंदर तो वो ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है वो क्या है, सेम है। अगर मास नंबर 23 है ऑफ सोडियम इंडिकेट द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोला उन्होंने, 23 बोला है। फ्रॉम दिस सिंबल 1224 मैग्नीशियम सेट द मास नंबर द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हमको मैग्नीशियम का दे दिया, अगर बच्चा जो नीचे होता है सबस्क्रिप्ट में होता है ये क्या होता है, मास नंबर। अगर जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर ये मैग्नीशियम है ये नीचे 24 है और ऊपर 12 है, इसको हम बोलेंगे मास नंबर, ऊपर वाले को बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों लिख लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो गए 12। एक को भी होते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 2, क्यों, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 8 2 8 2। तो वैसे हमने इसका डायग्राम भी बनाना है, कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है, किसका है ये, मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का है Mg। सबसे पहले इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो फिल हो गए, सेकेंड वाले में 8 फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन लास्ट वाले में कितना फिल होगा, 2 फिल होंगे। सो इन दिस वे आपने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। सेम नेक्स्ट भी है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 दिया है, मास नंबर 32 दिया है। हमने क्या करना है, स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सल्फर, गिव अ सिंपल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, अगर प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों माइनस करके हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो ये 16 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 286। यही फॉर्मूला है बच्चे, जैसे मास नंबर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है तो ये इधर चला जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन हो जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है। और ये क्या है आपका, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। What are inert elements? Inert elements क्या होते हैं, Elements whose outermost orbit is completely filled. ऐसे elements जिनका जो outermost orbit होता है ना वो पूरा फिल होता है बच्चा, जैसे कि 8 फर्स्ट वाला जो शेल है इसमें 2 होते हैं, सेकेंड में 8 होता है। तो ये यहाँ पास ये फुल तो नहीं हो रहा है, यहाँ पास 8 तो लास्ट में क्या है, 8 है यहाँ पास, नहीं है ये 8 नहीं है, ये सिर्फ 2 है, तो ये फुल नहीं है। तो जो इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, पूरा फिल होता है। व्हाई डू दे एग्जिस्ट और मोनो एटॉमिक इन मॉलिक्यूल्स, इनर्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोनो एटम्स। जो इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं वो मोनो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन कर, जो इनके जो मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक एटम कंटेन करते हैं। वट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिफाइन मास नंबर, द मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, जो न्यूक्लियस यहाँ पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यहाँ पास होते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होता है, ये कैरी करते हैं चार्ज, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर रहे हैं या तो लूज कर रहे हैं तो ये चार्ज कैरी करते हैं। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय यूजुअली केमिकल मेथड्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्प्लिट नहीं हो सकते दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में
यूजिंग केमिकल मेथड्स बाय अप्लाइंग हीट लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये स्प्लिट नहीं हो सकते, चाहे उसको केमिकल मेथड से यूज़ कर लो, हीट अप्लाई कर दो, लाइट अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई कर दो, ये स्प्लिट नहीं होंगे। सर ऑर्बिट क्या है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम रिवॉल्व। सर्कुलर पाथ जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखो, तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। बच्चे इट इज़ जस्ट लुक लाइक अ सोलर सिस्टम, जैसे बीच में सन होता है, सन के सराउंडिंग्स में क्या करते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, वैसे ही फॉर ये न्यूक्लियस को हमने सन को हमने एज ए न्यूक्लियस कंसिडर किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम प्लैनेट की तरह देख सकते हैं। वॉट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है बच्चा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस में किसी भी एटम में, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नाउ द एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, कौन से एलिमेंट कोई भी न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता न्यूक्लियस में? हाइड्रोजन। एन एलिमेंट हैविंग वैलेंसी जीरो, किस एलिमेंट की वैलेंसी जीरो होती है? हीलियम की, क्योंकि ये इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस की जितने भी इनर्ट नोबल गैस एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी वैलेंसी जीरो होगी। मेटल विथ वैलेंसी क्या है? एग्जाम्पल मैग्नीशियम। टू एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे दो एटम्स जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या हो, डिफर हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम होते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कौन सा शेल सबसे ज़्यादा एटम न्यूक्लियस के क्लोज होता है? के शेल, क्योंकि के एल एम होता है, जो के होता है वही तो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। स्टेट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहे हैं? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इन्होंने क्या बोला था, जो एटम्स है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। मेन पोस्टुलेट्स, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड करें, जो भी मैटर है वो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम क्या होता है, जो ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। फिर आगे फिर किसी ने बोला कि सब पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ढूंढा, ये बच्चा है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है, कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज ऑल्सो योर प्रिपरेटरी असाइनमेंट बच्चा, प्रिपरेटरी असाइनमेंट। वाई एटम्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, क्यों एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोलते हैं? बिकॉज एवरी मैटर इज कम्पोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, एवरी मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल्स कम्पोज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम। रेडिकल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डेट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट ऑफ कैरीज अ चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ एटम जो कि सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करे और कोई भी कैरी करे चार्ज, जैसे OH है, ये किसने क्या नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया और Na ने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, तो जो चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट्स और एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं और चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिकल्स। सी दिस इज द टू एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल्स। वट इज एटोमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल एलिमेंट के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 होता है, तो ये जो सबस्क्रिप्ट में 2 है तो वो 2 इसकी क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल बन जाता है, ये H2 है तो ये मॉलिक्यूल है, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 है तो ये क्या बन गया, एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन O2, ये 2 जो है सबस्क्रिप्ट में 2। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम डेट में कंबाइन विथ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये एक मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम होते हैं जो कंबाइन होता है किसी भी एटम के साथ ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये जो एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ऊपर शॉर्ट नोट क्या बच्चा, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट इन टेबुलर फॉर्म इज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए टेबुलर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इन अ पीरियोडिक टेबल अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन। वहाँ फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जो वो नोन हैं। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। एलिमेंट्स को हमने रोज और कॉलम्स में इस तरीके के कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है। एक रो को हम पीरियड बोलते हैं और 7 पीरियड एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड दिस कॉलम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 विच रिप्रेजेंटेड बाय रोमन नंबर 1 to 8। ईच रो को हम पीरियड बोलते हैं और ऐसे ही 7 पीरियड और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं और उनको हमने 1 to 8 से रोमन नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया। दिस इज द शॉर्ट नोट ऑफ पीरियडिक टेबल। हु इन्वेंट मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने इन्वेंट किया, डिमित्री मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन्वेंट किए। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर यूनिट टेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।